नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति नायक नायक चटपटा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही एक आसान रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो है करेले और कच्चे कैरी का जैम। ये एक अनोखा मिश्रण है सभी चीज़ों का, जैसे इसमें गुड़ डलता है, नमक डलता है, चिली पाउडर डलता है, कैरी डलती है, तो सभी चीज़ों का अच्छे से मिलके एक अच्छा सा हेल्दी जैम बनाएंगे। आप बना के देखिए और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। कच्ची कैरी और करेले के जैम बनाने के लिए हम लोग क्या क्या सामग्री चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले छौंक लगाने के लिए 2 टेबलस्पून तेल लिया है, जो भी आप यूज़ करते हो कुकिंग के लिए वो तेल ले लीजिए। मैंने प्रेफरेबली इसमें सनफ्लावर ऑयल लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है और एक बड़ी कटोरी में मैंने गुड़ को तोड़ के लिया है, इसमें गुड़ थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। उसके बाद छौंक लगाने के लिए मैंने राई लिया है और उड़द दाल लिया है। राई 1/2 टीस्पून और उड़द दाल 1 टीस्पून। थोड़ा सा हींग लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है और 1 बड़ी चम्मच में मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। करेला लिया है और 1 कच्ची कैरी ली है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। कच्ची कैरी को हमने ऐसे छिलका निकाल के इसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है। करेले को भी हमने अच्छे से धो के उसमें से बीज निकाल लिए हैं और उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, करेले में थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिला के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। करेले में नमक मिला के 1 घंटा छोड़ लिया था, अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें से पानी निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से पानी छूटा है। ये पानी निकालने से जो कड़वापन है करेले का वो सब निकल जाएगा। 1 कढ़ाई ली है, उसमें हमने तेल गरम कर लिया है और छौंक लगाने के लिए हम लोगों ने राई और उड़द दाल जो रेडी रखा है उसको उसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। राई फूट रहा है, अभी इसी में हम हींग मिलाएंगे, हल्दी पाउडर मिलाएंगे और लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी में हम करेला डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक 2-3 मिनट के लिए हम लोग इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी मिलाएंगे और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए हमने करेले को ढक के पकाया है, अभी देखते हैं। अगर आप देख ये अच्छे से कलर चेंज होके अच्छे से पक गया है। अगर एक करेला आप ऐसे लेके ऐसे काटेंगे तो अच्छे से कट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि करेले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम लोग कच्चे कैरी के पीसेस मिला लेंगे। कच्चे कैरी के पीसेस को ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे और इसको ढक के और एक 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए 10 मिनट बाद कैरी का रंग भी बदल चुका है और ये अभी अच्छे से पक गया है। अभी इसमें नमक और गुड़ मिलाएंगे। थोड़ा नमक हमने करेले के में भी डाला था तो हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और गुड़ जो तोड़ के रखा था
पहले हम आधा गुड़ डालेंगे, इसका टेस्ट देखेंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार अगर हम लोगों को लगता है कि और थोड़ा इसमें गुड़ लगेगा तो मिक्स करेंगे, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। कैरी जो मैंने ली थी वो थोड़ी खट्टी है, तो ये जो बाकी का गुड़ मैंने जो तोड़ के रखा है वो भी इसी में मिला देते हैं। मुझे लगता है कि ये डालने से इसका अच्छा टेस्ट निखर आएगा। ये डिश आप ज़रूर बना के देखिए, ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं या ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, ये एज अ साइड डिश चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप बना के रखेंगे, अच्छे से बॉईल करके स्टोर करेंगे तो एक महीने तक इसका कुछ नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर में रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नमक और गुड़ मिलाने के बाद मैंने इसको धीमी आंच पे 10 मिनट तक अच्छे से पकाया है। आप देख सकते हैं कि ऐसे अच्छा ग्रेवी जैसा बनके बहुत अच्छे से बना है ये जैम। आप ज़रूर बना के देखिए, ये बनने के बाद अगर आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें करेला मिक्स्ड है। हमारे घर में बड़ों से लेके बच्चों तक सब लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। आप भी ज़रूर बना के देखिए। अभी गैस को बंद करते हैं, इसको ठंडा करते हैं और इसको ग्लास बॉटल में डाल के फ्रिज में एक महीने तक आप स्टोर करके इसको चाव से खा सकते हैं। ये जैम सर्व करने के लिए रेडी है। हम लोग एक बन लेंगे, उसको ऐसे बीच में काटेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे ज़रूर बना के देखिए और चख के देखिए और आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारे हेल्दी और इजी रेसिपीज़ लेके मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।